इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। मैं हूं आपके साथ मैत्रेय त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जल्द चुनाव करवाने का प्रस्ताव पास किया है। अरविंद केजरीवाल के अगुवाई में हुई पार्टी विधायकों की बैठक में यह फैसला हुआ। बीजेपी पर पद और पैसे का लालच देकर आम आदमी पार्टी को तोड़ने का आरोप भी लगाया गया। बैठक से पहले आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गर्ग ने कहा कि उन्हें बीजेपी की तरफ से पैसे और पद का लालच दिया गया था। करती है नैतिकता की मुझसे संपर्क हुआ, ये बात 100% सच है, उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा। मुझसे यही कहा कि आप देखिए आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली है, आप जैसे सीनियर लोग क्या करेंगे, अच्छा है कि बीजेपी में आप आ जाइए, आपको पैसे का इंतजाम भी करेंगे, पावर भी मिलेगी, काम करने का मजा आएगा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने भी आरोप लगाया है कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी राजनीतिक भ्रष्टाचार कर रही है और विधायकों को तोड़ने में लगी है। दिल्ली में खरीद फरोख्त करके राजनीतिक भ्रष्टाचार की तरफ बीजेपी अगर बढ़ने की सोच रही है, भ्रष्टाचार कर रही है और विधायकों को तोड़ने में लगी है। दिल्ली में खरीद फरोख्त करके राजनीतिक भ्रष्टाचार की तरफ बीजेपी अगर बढ़ने की सोच रही है तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली में सरकार बनाने की अटकलों को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली में सरकार नहीं बनाएगी। सरकार बनाने को लेकर जो अटकलें चल रही है, कोई सरकार अगर नहीं बना रहा, ऐसी कोई मीटिंग नहीं, कोई अटकले नहीं, न कोई चर्चा, सरकार बनने का अभी तक कोई प्रस्ताव है न कोई चर्चा हो रही। उधर दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा ने खरीद फरोख्त के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि हताशा में आम आदमी पार्टी बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगा रही है। कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, कोई जोड़ तोड़ नहीं, हमारे सामने दोनों ही ऑप्शन है। हम सरकार में भी जा सकते हैं और हम चुनाव में भी जा सकते हैं। बीजेपी पर लगे आरोप को आम आदमी पार्टी से निकाले गए विधायक बिन्नी ने अरविंद केजरीवाल की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को संपर्क करना होता तो मुझसे करती। बिन्नी ने बीजेपी को सशर्त समर्थन देने की बात भी कही है। भारतीय जनता पार्टी अगर प्रयास करती तो हो सकता सबसे पहले मेरे से बात करती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसे किसी भी शख्स ने मुझसे बात नहीं की। मुझे लगता है तीन लोग जो आरोप लगा रहे हैं ये कहीं ना कहीं अरविंद की साजिश हो सकती है। अरविंद ने एक प्लान करके इनसे कहा होगा कि आप इस तरह की बातें कहें। उधर कांग्रेस के विधायक मतीन अहमद ने कहा है कि अगर बीजेपी को रोकना है तो आम आदमी पार्टी को चाहिए कि वो कांग्रेस की सरकार बनाने में समर्थन करे। हम बार बार पहल क्यों करें, आम आदमी पार्टी क्यों ना पहल करें, आम आदमी पार्टी हमारी सरकार क्यों ना बनवाए, 8 आदमी हमें हमारी सरकार बनवा देना आप पार्टी अगर बीजेपी को रोकना चाहती है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आम आदमी पार्टी को फिर से समर्थन देने से इनकार कर दिया है। द टेलीग्राफ अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को संदेश भेजा गया था, लेकिन सोनिया राजी नहीं है। जेडीयू के विधायक शोएब इकबाल का कहना है कि बीजेपी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर सरकार बनानी चाहिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरकार बनाए, नहीं तो अगर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसके लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है तो उसको सोचना चाहिए कि बीजेपी ना आए किसी भी तरीके से सरकार। दिल्ली के इकलौते निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बनाने की जो पहल की है वो स्वागत के लायक है। ये बहुत अच्छी पहल है जो दिल्ली में सरकार बनाने के लिए उन्होंने बोला है, जो बीजेपी बोल रही है सरकार बनाने के लिए। इससे दिल्ली की जनता पर फिर से बोझ नहीं पड़ेगा इलेक्शन का और ये अच्छी पहल है। मेरा समर्थन बीजेपी को है, मोदी जी की सरकार को बिल्कुल। दिल्ली में बीजेपी अभी सरकार बनाने की कवायद ही कर रही है कि पार्टी में मुख्यमंत्री की रेस शुरू हो गई है। दिल्ली में ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें मीनाक्षी लेखी को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अफ्रीकी महिलाओं से बदसलूकी के आरोप में उन पर 10 अलग-अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है। सिफारिश न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में की गई है। आयोग ने रिपोर्ट में लिखा है कि सोमनाथ भारती ने पद पर रहते हुए कानून की 10 आपराधिक धाराओं के तहत अपराध किया।
रिपोर्ट के मुताबिक सोमनाथ भारती ने बिना किसी कानूनी अधिकार के खिड़की एक्सटेंशन में अफ्रीकी महिलाओं के कमरे में जबरन घुसकर उन्हें गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। सोमनाथ भारती पर दंगा करने, मारपीट करने, अवैध रूप से बंदी बनाने, महिला से छेड़छाड़ करने और जान से मारने की धमकी देने के साथ धर्म जाति के नाम पर टिप्पणी करने के आरोप हैं। खबर है कि दिल्ली पुलिस सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी किए बिना ही चार्जशीट कोर्ट में दायर करने की तैयारी कर रही है। रेप के आरोपों से घिरे केंद्र सरकार में मंत्री निहाल चंद मेघवाल पहली बार कैमरे के सामने आए। उन्होंने किसी सवाल का सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा देने वाले हो क्यों? मैं क्यों दूंगा? नो कमेंट्स। रेप केस में फंसे केंद्र सरकार के रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। मेघवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की महिला मोर्चा ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शोभा ओझा की अगुवाई में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी। प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पर चढ़ गए और मेघवाल को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की। बैरिकेडिंग पर खड़ी होकर नारेबाजी कर रही महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त न करने की बात करते हैं, लेकिन रेप के आरोपी मंत्री पर कार्रवाई नहीं करते हैं। निहाल चंद मेघवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि महिला सुरक्षा का दम भरने वाली सरकार एक महिला पर अत्याचार करने वाले मंत्री का संरक्षण कर रही है। दिल्ली में बिजली पानी को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शनों का दौर जारी है। शाहदरा इलाके में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और जाम लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हफ्ते भर से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। शाहदरा इलाके में पानी की समस्या पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाली मटके लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। बिजली गुल होने से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे लोग परेशान हैं। शाहदरा में कांग्रेस के नेता अरविंदर सिंह लवली की अगुवाई में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शन में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के समूह यानी जीओएम को खत्म करने के आदेश दिए। सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता और मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सुपरवाइजरी कमेटी का भी गठन किया गया है। इससे पहले महंगाई के मुद्दे पर पीएम ने उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के साथ बैठक की थी। बैठक में इन विभागों के सचिव भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने प्रेजेंटेशन पेश किए। भले ही नासिक मंडी में हड़ताल खत्म हो गई हो, लेकिन प्याज के भाव कम होने में अभी 2-3 दिन का वक्त और लगेगा। नासिक से प्याज की नई खेप दिल्ली और दूसरे शहरों में जब तक नहीं आ जाती, प्याज के रेट कम नहीं हो पाएंगे। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है कि यहां आलू प्याज के दाम अब नहीं बढ़ेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल अजीत जंग ने एक अहम बैठक की, जिसमें आलू और प्याज के दाम को काबू में रखने के लिए कई फैसले लिए गए। ये फैसला हुआ कि दिल्ली के सफल स्टोर में आलू प्याज का स्टॉक दोगुना कर दिया जाएगा। नाफेड से दिल्ली सरकार की तरफ से प्याज खरीदने को कहा गया है। दिल्ली में 60 से 70 मोबाइल वैन्स के जरिए आलू प्याज बेचे जाएंगे। उपराज्यपाल की बैठक में जमाखोरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला हुआ। इसके लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दिल्ली के लोगों को अखबार के जरिए रोजाना आलू प्याज के दाम की जानकारी दी जाएगी। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि अच्छे दिन आने का वादा करने वाले मोदी के राज में बिजली के बिना अच्छी रातें भी मैसर नहीं हो रही। इन्होंने कहा कि हम आते ही अच्छे दिन आ जाएंगे और सारे दाम को हम कम करेंगे। कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए, भैया अच्छे रात भी नहीं आए। कौन सो रहा है? कोई बिजली नहीं है, कोई पानी नहीं है। इराक के मोसूल में 40 भारतीयों के अगवा होने की खबर की पुष्टि भारत के विदेश मंत्रालय ने की है। इन भारतीयों को अगवा करने का शक सुन्नी चरमपंथी गुट ISIS पर है। The 40 workers who were working in Mosul, I can confirm to you now, have been kidnapped. भारतीय विदेश मंत्रालय ने इराक में 40 भारतीयों के अगवा होने की पुष्टि कर दी है। मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि अगवा भारतीयों को कहां रखा गया ये पता नहीं चल पाया है
और न ही अब तक फिरौती की कोई मांग की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इराक के मोसूल और तिकरीत में हालात बेहद खराब हैं। उन्होंने इराक में करीब 100 भारतीयों के फंसे होने की बात कही। इस बीच पूर्व राजनयिक सुरेश रेड्डी को हालात पर नजर रखने के लिए बगदाद भेजा गया है। इराक में सुन्नी चरमपंथियों के गुट आईएसआईएस के तांडव के बीच केरल की 46 नर्सें वहां फंसी हुई हैं। तिकरीत शहर में कई भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं और बमबारी के बीच उन्हें वहां से निकालना एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। इराक में फंसी केरल की नर्सों की सुरक्षित वापसी के लिए केरल के मुख्यमंत्री उमान चांडी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बात की। उधर नर्सों को राजधानी बगदाद तक लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। इराक में भारतीयों के फंसे होने की खबर से पंजाब के कई परिवारों में मातम पसर गया है। अमृतसर के मजीठा के रहने वाले मंजिंदर के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मंजिंदर के साथ साथ पंजाब के कई युवक इराक में काम करने गए हैं। पंजाब के कई परिवार इराक में जारी हिंसक संघर्ष के बीच फंसे हुए हैं। उनके परिजनों ने गुरुद्वारों में जाकर अपनों की सलामती की दुआ मांगी। परिजन अनहोनी की आशंका को लेकर घबराए हुए हैं। इराक में काम करने वाले अमृतसर के संगोवाना गांव के निशान सिंह की सलामती के लिए उनके घर वाले बेहद चिंतित हैं। निशान मोसुल शहर में काम करता है और वहां के हालात बेहद खराब हैं। अनहोनी की आशंका से निशान की पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। बिहार के औरंगाबाद जिले का एक परिवार भी इराक संकट का दंश झेल रहा है। इस परिवार का मुखिया एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। 11 जून को उसकी अपने परिवार से आखिरी बार बात हुई थी। हालात बिगड़ने के बाद से उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। उधर इराक में संकट गहराता ही चला जा रहा है। आईएसआईएस के सुन्नी लड़ाके राजधानी बगदाद के करीब पहुंच गए हैं। बगदाद से 60 किलोमीटर दूर सुरक्षा बलों और आतंकियों के साथ जंग जारी है। आतंकियों ने उत्तरी बगदाद के एक बड़े इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। आतंकी हमले की जद में आए इराक में आईएसआईएस के आतंकियों ने देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया है। बगदाद से 210 किलोमीटर दूर स्थित बैजी रिफाइनरी पर मोर्टार और बंदूकों से हमला किया गया। आतंकियों के इस हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि इस ऑयल रिफाइनरी के बंद होने से भारत में तेल की किल्लत हो सकती है। भारत जिन देशों से सबसे ज्यादा तेल मंगवाता है उनमें इराक दूसरे नंबर पर है। अगली खबर, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बिहार में राज्यसभा चुनाव में जेडीयू को समर्थन देने का ऐलान किया है। दरअसल जेडीयू ने राज्यसभा के लिए 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे, जिनमें से शरद यादव निर्विरोध चुन लिए गए थे, लेकिन 2 उम्मीदवारों गुलाम रसूल बलियावी और पवन वर्मा को लेकर पेच फंसा हुआ था। बिहार में 19 जून को राज्यसभा चुनाव होना है। राजीव प्रताप रूडी, रामविलास पासवान और रामकृपाल यादव के इस्तीफे के बाद सीट खाली होने पर बिहार में राज्यसभा उपचुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकर नारायणन से इस्तीफा देने को कहा गया है। केंद्रीय गृह सचिव ने उन्हें इस्तीफे के लिए फोन किया, लेकिन नारायणन ने कहा कि जब तक उचित अथॉरिटी न कहे वो इस्तीफा नहीं देंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने राजभवन जाकर बीएल जोशी से मुलाकात की। बीएल जोशी ने कल राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जल्द राजभवन से विदाई होने वाली है। रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री ओ रोगोजिन ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कारोबार और ऊर्जा सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। सूत्रों से खबर है कि 8 जुलाई से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है संसद का। बताया जा रहा है कि बजट सत्र करीब एक महीने तक चलेगा। माना जा रहा है कि 6 अगस्त को बजट सत्र खत्म होगा। सूत्रों के मुताबिक 9 जुलाई को रेल बजट पेश किया जाएगा, वहीं 10 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण संसद में रखा जाएगा और 11 जुलाई को आम बजट के पेश होने की संभावना है। झारखंड के हजारीबाग जेल में बंद बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को जमानत मिल गई। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। पार्टी की मीटिंग में मनोहर जोशी ने उद्धव के नाम का प्रस्ताव रखा। साथ ही बैठक में इसी साल महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। गाजियाबाद एसीजेएम कोर्ट ने एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे के खिलाफ दायर एक याचिका के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजीव नयन चौबे की प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने जापान के दौरे पर नहीं जाएंगे। सूत्रों से खबर है कि बजट सत्र के बाद ही वो ये दौरा करेंगे।
यूपी विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा जो 18 जुलाई तक चलेगा। बजट 20 जून को पेश किया जाएगा और इस पर 21 से 24 जून तक चर्चा होगी। हालांकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की इस सर्वदलीय बैठक में बीजेपी का कोई नेता नहीं पहुंचा। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर सीएम की बुलाई इस बैठक का बीजेपी ने बहिष्कार किया था। यूपी में 41 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के बाद अब सरकार ने 15 मंत्रियों को के विभाग बदल दिए हैं। मनोरंजन कर राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने उपराज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने चांदनी चौक के सौंदर्यकरण और उनके इलाके में आने वाले विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर उपराज्यपाल से बातचीत की। गुरुवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष 44 साल के हो जाएंगे। राहुल गांधी विदेश में हैं लेकिन दिल्ली में उनके जन्मदिन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार तैयारी की है। सुखपाल अभिनेत्री प्रीति जिंटा और नेस वाडिया विवाद मामले में मुंबई पुलिस ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने कहा कि प्रीति इस केस में अपना बयान देने के लिए तैयार हैं और इसी हफ्ते उनका बयान दर्ज हो सकता है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने कहा कि नस्ली वाडिया के सहयोगी के फोन पर धमकी भरे कॉल और एसएमएस की भी जांच होगी। इससे पहले प्रीति जिंटा और नेस वाडिया विवाद मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब नेस वाडिया के पिता नुस्ली वाडिया ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। नुस्ली वाडिया को मिली धमकी में एक लड़की को परेशान न करने की बात कही गई है। नुस्ली वाडिया का कहना है कि कॉल करने वाले ने अपना नाम रवि पुजारी बताया। बीती रात उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में हुई भारी बारिश के चलते भागीरथी, भीलंगाना, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल गई। बारिश से मौसम सुहाना हो गया। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में देर रात पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने फांसी की सजा पाए 5 मुजरिमों की दया याचिका को खारिज किया है। इनमें निठारी कांड का दोषी सुरेंद्र कोहली भी शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने फिल्म अभिनेता और टीएमसी से राज्यसभा सांसद मिथुन चक्रवर्ती को शारदा चिटफंड घोटाले केस में समन भेजा है। जिया खान मर्डर केस में अभिनेता सूरज पंचोली अपने पिता आदित्य पंचोली के साथ मुंबई सेशंस कोर्ट में पेश हुए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में व्यास नदी से 2 और छात्रों के शव बरामद किए गए हैं। इंदौर में पुलिस ने कई जगह छापा मारकर 15 छात्र छात्राओं को हिरासत में लिया। इन सभी से पीएमटी भर्ती में हुए फर्जीवाड़े को लेकर पूछताछ होनी है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पुलिस ने छापा मारकर 12 छात्र छात्राओं को हिरासत में लिया है। पीएमटी भर्ती घोटाले को लेकर इन छात्रों से पूछताछ होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की शीर्ष 50 कंपनीज में शामिल होने की योजना बना रहा है। मुंबई में हुई आरआईएल की 40वीं सालाना आम बैठक के मौके पर मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया गया। दूसरे बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल अब आपको महंगा पड़ सकता है। आरबीआई जल्द ही एटीएम ट्रांजैक्शंस के नियमों में बदलाव करने वाली है। एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट ने मॉनसून ऑफर का ऐलान किया है। स्पाइसजेट देश भर में 1999 रुपए में हवाई सेवा शुरू करेगा। बाबा अमरनाथ के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। इस बार उन्हें बाबा बर्फानी के विराट रूप के दर्शन होंगे। जाने माने वैज्ञानिक रहे होमी जहांगीर भाभा का मुंबई के टोनी मालाबार हिल में स्थित घर 372 करोड़ रुपए में नीलाम हो गया है। चंडीगढ़ में एक शोरूम की दीवार गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। यूपी के हाथरस में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 40 लोग जख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अजगैन रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर 2 लोगों की मौत हो गई। गाजियाबाद में बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता ने एक बीजेपी नेता पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। राजधानी एक्सप्रेस जैसी वीआईपी ट्रेन में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बच्ची के शोर मचाने के बाद यात्रियों ने आरोपी वेंडर को पकड़कर जीआरपी के हवाले कर दिया। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में तैनात एक गार्ड पर एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया है। दिल्ली के करावल नगर इलाके में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। गाजियाबाद में पुलिस ने एक चेन स्नैचर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली में पुलिस ने अपहरण की गुत्थी सुलझाते हुए 4 साल के बच्चे को सकुशल छुड़ाने में कामयाबी हासिल की है। दिल्ली पुलिस ने 4 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के फलोदी में एक ज्वेलर ने मोबाइल चार्जर से चलने वाले चांदी का सबसे छोटा पंखा बनाया है।